दोस्तों आज के इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आप लोग ADCB अकाउंट यूज़ करते हैं, मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर रहा है, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहा है, उसके बाद हमारा जो एमिरेट्स आईडी एक्सपायर हो जाता है 2 साल के बाद, हमको फिर से री अपडेट देना पड़ता है। मोबाइल बैंकिंग ऐप से भी आप लोग कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बताऊँगा कैसा मोबाइल बैंकिंग ऐप से आप लोग एमिरेट्स आईडी अपना अपडेट दे सकते घर बैठे बैठे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप लोग मोबाइल बैंकिंग ऐप रजिस्टर नहीं किया तो मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पहले सबसे पहले रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद आप लोग घर बैठे बैठे एमिरेट्स आईडी अपडेट दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से लॉगिन हो जाता हूँ, लॉगिन होने के बाद आपका जो एमिरेट्स आईडी नया एमिरेट्स आईडी अपडेट देने के लिए बोलता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि नीचे कोना पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ठीक है। करने के बाद यहाँ पर आपको पूरा प्रोफाइल शो हो जाता है। यहाँ पर देख पा रहा है KYC डॉक्यूमेंट्स नीड, यहाँ पर क्लिक करता है, ठीक है, देख दिखा रहा है KYC डॉक्यूमेंट। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद और यहाँ पर यूजिंग OTP वेरिफिकेशन का माध्यम से मैं कराऊँगा, देख पा रहा है ये। यहाँ से मैं जैसे क्लिक किया और मेरा OTP आ गया, OTP जैसे मैं डाल दूँगा और पूरा सिंपल स्टेप है और नीचे का सिलेक्ट करना है एमिरेट्स आईडी। देखिए यहाँ पर अपडेट पर आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऊपर क्या बता रहा है सब आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर अपलोड एमिरेट्स आईडी फॉन्ट साइज, मतलब सामने का जो साइज़ है सामने का जो पेज, सामने का जो फोटो है, यहाँ पर ऊपर में क्लिक करना है। ऊपर का जो है यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद चॉइस एंड आपका गैलरी में रखा तो आप गैलरी से भी कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से खींच के लेना चाहता है तो ये भी कर सकते हैं। तो मैं स्कैन करके ले लूँगा सामने का ये, तो सामने का मैंने ले लिया। और इसके बाद पीछे का लेने के लिए नीचे अपलोड एंड एमिरेट्स आईडी एंड बैक साइड टेक पिक्चर, मैं ये भी अपलोड कर देता हूँ और ये ऑटोमेटिक ले लेता है, ठीक है। लेने के बाद यहाँ पर कुछ जानकारी और यहाँ पर रेड रेड आ रहा है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना पड़ेगा, जो भी एमिरेट्स आईडी में आपका डेट ऑफ बर्थ है वो भी यहाँ पर डाल देता हूँ मैं। अगर आप लोग मोबाइल बैंकिंग ऐप रजिस्टर नहीं किया तो मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद ही आप लोग यूज़र आईडी पासवर्ड बना के लॉग इन होके यूज़ कर सकते। तो फ्रेंड्स चैनल पर नया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो का एक लाइक ज़रूर करिएगा। इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते। तो जैसे कि मैं यहाँ पर डेट डाल दिया, डालने के बाद यहाँ पर जो आई एग्री पर एक बॉक्स आता है नीचे टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका अपना डिटेल्स एक बार चेक कर लेने का एमिरेट्स आईडी से मैच हो रहा है क्या, यहाँ पर शो हो जाता है। इसके बाद सबमिट, यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, नीचे सबमिट पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद देख पा रहा है सक्सेसफुल मेरा एमिरेट्स आईडी, यहाँ से मेरा वेरीफाइड थोड़े टाइम पे हो जाता है पूरा। आपको अभी मैं दिखाऊंगा, मैं बाद में वीडियो बनाया, ठीक है। बैक टू समरी, अभी मैं बैक अकाउंट टू समरी में जाता हूँ, दिखाता आप लोगों को। देख पा रहा मेरा होम पेज आ गया, फिर से मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ नीचे मोर ऑप्शन पर, यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा, अभी इसको रिफ़्रेश करूँगा, रिफ़्रेश नहीं किया मैंने, और रिफ़्रेश करके आप लोगों को दिखाता हूँ। और लॉग आउट कर देता है, यहाँ से लॉग आउट करने के बाद फिर से मैं लॉगिन करता हूँ। उसके बाद ईमेल पर भी ईमेल आ जाता है, जैसे कि एमिरेट्स आईडी अपडेट देने के बाद अभी तक नहीं आया। और आप लोगों को अभी लॉगिन करके मैं दिखाता हूँ, यहाँ से हट जाता है KYC डॉक्यूमेंट आपने किया है, तुरंत ही हट जाता है यहाँ से, ठीक है। और आप लोग ऐसे ही मोबाइल बैंकिंग से ऐसा एमिरेट्स आईडी अपडेट दे सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को सामने दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने एमिरेट्स आईडी अपडेट दिया, देने के बाद ये KYC यहाँ से हट गई। फिर से मैं लॉगिन हो जाता हूँ, लॉगिन होने के बाद फिर से मोर ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, नीचे जो यहाँ पर कोना पर शो हो रहा है मोर ऑप्शन पर जैसे क्लिक करूँगा, देख पा रहा है यहाँ पर KYC डॉक्यूमेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो मेरा मेरा जो एमिरेट्स आईडी अपडेट हो चुका है।
मैं घर बैठे बैठे ऐसे आप लोग भी एमरेस आईडी मोबाइल बैंकिंग ऐप से अपडेट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए वीडियो के नीचे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। वीडियो के एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे इसी तरह का हेल्पफुल मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते रहूँगा।